हेलो हेलो सर, यश बोल रहा हूँ। मेरा नाम चेक किया आपने? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है ना? नहीं यश, अनफॉर्चुनेटली इस बार भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, अभी एग्जाम है, उस पे फोकस करो। ठीक है सर, थैंक यू। क्या सबमिशन? चलो मूवी देखने जाते हैं। वो वंडर वुमन क्या दिखती है यार? वंडर वुमन मस्ती है, इसलिए तो बोलता हूँ देखने चलते हैं। वे समीर, जाना चाय लेकर आना। मैं नहीं पीऊंगी। ठीक है। हाय। अरे सुन, यश के लिए भी लेकर आना। हाँ ठीक है। कैन यू बिलीव गाइस कि हम लास्ट सेमेस्टर में है और ये चार साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सच में यार, और लकीली हम लोग को जॉब भी मिल गई, वो भी डिग्री खत्म होने से पहले। हाँ, और निधि, तेरा तो हाईएस्ट पैकेज है ना? ना यार, आदित्य हैज गॉट द हाईएस्ट पैकेज, 5.5 लाख। ओके। अरे यश, तू ऐसा क्या करते है इंटर में क्या? कोई तुझे लेता ही नहीं? अब तो पूरी क्लास का सिलेक्शन हो गया सिर्फ तुझे छोड़ के। क्या पता, शायद शक्ल पसंद नहीं मेरी किसी। उस हिसाब से तो गौरव का भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। तेरे से तो अच्छा ही दिखता हूँ साले। गाइस, तुम लोग से तो ज्यादा ही मार्क्स है उसके लास्ट एग्जाम में। लेकिन फायदा क्या, जॉब तो हमारे पास है। गाइस, हाँ बोल। सर बुला रहे हैं ऑफर लेटर लेने के लिए, चलो जल्दी। लेट्स गो गाइस। यस, तू बैठ, हम आते हैं। बैठना भाई, चले मत जाना। अच्छा है यार, वी गॉट द जॉब इन दिस प्लेसमेंट, अदरवाइज लोग घर पे ही बैठे हैं डिग्री खत्म होने के बाद भी। हाँ यार, सच में अभी जॉब मिल गई तो मिल गई, वरना कैंपस इंटरव्यू के बाद तो जॉब ही नहीं मिलती। यश, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है? कुछ नहीं। अच्छा, जॉब की वजह से? बे क्यों लोन ले रहा है इतना, हो जाएगा तेरा भी कहीं ना कहीं। मैंने सुना अभी कोई लास्ट कंपनी आई थी, तूने दिया इंटरव्यू? हाँ। बस तो फिर हो जाएगा इस बार तो तेरा पक्का। इतनी सारी कंपनीज में नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कैसे होगा? बी पॉजिटिव, हो जाएगा, समझा ना। चल मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, तो टिफिन मंगवा लेना और लोंडे वाले को भी फोन कर देना। चल बाय। बेटा, हाँ सब रख लिया ना बैग में? हाँ पापा। अरे बेटा पार्थ, जा भैया का जैकेट ले आ। ठीक है। बैठ बेटा। हाँ। देख बेटा, हाँ 12वीं में तो एक बार फेल हो चुका है, अब अच्छी तरह मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ पापा, कितनी बार सुनाओगे? बेटा तू तो जानता है तेरी पढ़ाई के लिए कितनी बड़ी लोन ली है, और तुझे ये भी पता है कि मैं ये लोन नहीं चुका सकता, तुझे ही पढ़ाई करके चुकाना है बेटा। हाँ पापा, मुझे सब पता है, आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। लो
भैया आपका जाके। हाँ ला, मैं रख देता हूँ। हाँ और क्या, पापा को परेशान मत करना। हाँ और टाइम पे स्कूल पे जाना और ध्यान रखना अपना। चलो मैं निकलता हूँ पापा। चल बेटा। अरे परेशान मत करना और फोन करते रहना। हाँ पापा। और टाइम पे खाना खा लेना। हाँ बाय भैया। हेलो पापा, कैसे हो? हाँ बेटा ठीक हो, तू कैसा है? हाँ बस पापा बढ़िया। कैसे चल रही है पढ़ाई? हाँ बस पापा अच्छी चल रही है। और पापा क्या बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक ही है तबीयत, तो मुझे क्या होगा। पापा ध्यान रखना और हाँ खाने पीने में भी ध्यान रखना। और हाँ वो डॉक्टर ने जो दवा की है ना वो हर रोज लेना, भूलना मत। हाँ बेटा ले रहा हूँ दवाई तो। अच्छा और तू बता रहा था कि बहुत सारी कंपनी आई थी नौकरी के लिए, तुझे मिल गई नौकरी? हाँ यानी नहीं मिली पापा, लेकिन मिल जाएगी, अभी बहुत सारी कंपनीज आई है तो मिल जाएगी। ठीक है बेटा। और पापा पार्थ कैसा है? हाँ वो भी ठीक है, अभी स्कूल गया है। अच्छा और इस साल तो उसकी स्कूल की फीस भी बढ़ गई है, और तू तो जानता है मेरी तनख्वाह कितनी है। बस अब तू जल्दी से नौकरी लग जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। ठीक है पापा, रखता हूँ अभी। हाँ बाद में बात करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इतनी मेहनत की मैंने डिग्री में, पर क्या हो मुझसे कम मार्क्स वालों को भी जॉब मिल गई पर मुझे नहीं मिली। क्या जवाब दूं मैं अपने पापा को, कैसे बताऊं उन्हें कि पूरी क्लास में से सिर्फ उनका ही बेटा है जो सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ उनका ही बेटा है जो सिलेक्ट नहीं हुआ। और ऊपर से इतनी बड़ी लोन कैसे चुकाऊंगा मैं, कैसे चुकाऊंगा? नसीब ही खराब है मेरे हमेशा से, नसीब ही खराब है। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, मैं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया। मैं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया पापा, नहीं कर पाया। अरे गौरव, यश कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। सर वो तो घर पे है आज, नहीं आया। क्या हुआ? वो मिले तो उसे बताना, जो लास्ट एमएनसी कंपनी आई थी उसमें वो सिलेक्ट हो गया है। 6 लाख का पैकेज ऑफर किया है। आस्क हिम टू गेट हिज ऑफर लेटर फ्रॉम। क्या बात है सर, वो तो नसीब वाला निकला, लास्ट बॉल पे छक्का। हाँ सही में सबसे हाईएस्ट पैकेज है उसका। पर सर ऐसे कैसे, कोई भी कंपनी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और ये कंपनी में एकदम से हाईएस्ट पैकेज। ऊपर वाला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, ये कंपनी बाकी कंपनी से बहुत बड़ी है, सो इसका पे स्केल भी ज्यादा है, बट नॉर्मली बहुत कम वैकेंसीज निकलती है। इस बार दे हैड अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स। और हाँ हम सब ने तो इंटरव्यू नहीं दिया था क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था। क्या बात है, कोई कंपटीशन ही नहीं था। हाँ बहुत कम बच्चे थे इस इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर सिलेक्टेड यश। ओके सर। ओके सर तो हम चलते हैं। सही है उसका। सही है वो। अमन तू क्या कर रहा है इधर? मैच कर रहा हूँ, कल सर ने करवाया वो। मेरे को भी डाउट है, मेरे को भी सिखाना भाई।
ला समीर चलना चलते हैं। कहाँ जाना है? ला भाई यश को वो न्यूज़ बतानी है। अपन मेरा क्या काम है? मैं चलना है, वैसे भी तो क्या कर रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है आता हूँ। चल मैं बाहर खड़ा हूँ, तू आ। चल अमन मिलते हैं भाई। यश उठना, यश उठना, मैं सुन रहा है तू? मैं उठा साले, कभी नहीं उठ साले, अब सबसे अच्छी जॉब मिले तुझे, उठा साले। समीर उसको उठा रहा ना, उठा रहा इसको। पता है तुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि ऊपर वाला चाहता था हम सबसे अच्छी जॉब मिले, हम सबसे अच्छी। क्यों थम गया, क्यों हो गया कम हौसला तेरा इस घड़ी में? कर लिया था तूने, क्यों किया तूने ऐसा? उठना साले, उठ, उठना साले, उठ, उठ, अबे गौरव उठ, उठना साले, कब से सो रहा है यार? अबे समीर चलना, लेक्चर है अभी भाई। मैं चल रहा हूं तू। अमन मेरी भूख रखना, मैं आता हूं अभी। यश, यश, अरे 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 रुक 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 रुक, क्या अरे हुआ? यश, यश क्या हुआ? थैंक गॉड, अरे सपना था। बोल क्या हुआ? अरे गेस व्हाट, तेरा सिलेक्शन हो गया वो कंपनी में जो भी लास्ट कंपनी आई थी वो। सच में? तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? अबे साले यकीन नहीं होता ना, तो ये समीर से पूछ ले, हमें सर ने बोला आज कॉलेज में। हाँ हाँ, और ये भी बोला कि तेरा हाईएस्ट पैकेज है 6 लाख। देखा साले, ऊपर वाले का मास्टर प्लान। साथ में तेरे खुदा है, खुदा सोचा।